नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ड्रैगन फ्रूट, ये नाम सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी चीनी फल की बात हो रही है, मगर ऐसा नहीं है। ये मूल रूप से अमेरिकी पौधा है। इसका नाम ड्रैगन फ्रूट की खास बनावट के कारण पड़ा है। अलग अलग जगहों पर इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है और भारत में भी इसका नामकरण किया गया है, कमलम। आज बात करेंगे कमाल के कमलम की, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, इसकी खेती कैसे करनी है, साथ ही बताएंगे आपको कि हमारी सेहत के लिए ड्रैगन फ्रूट कितना उपयोगी है और सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आइए देखते हैं कमाल का कमलम। ड्रैगन फ्रूट पौष्टिक गुणों से भरपूर है। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है, इसलिए सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है। शहरी इलाकों में इसकी अच्छी खासी मांग बढ़ने लगी है और ऐसे में भारत में इसकी खेती की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का पौधा है। दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति के बाद ये वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका से होता हुआ हमारे देश भी पहुंच गया। भारत में इसे पहली बार 90 के दशक के आखिरी वर्षों में उगाया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी खेती करने वाले कुछ शुरुआती राज्य हैं। आजकल मिजोरम सब पर भारी है, यहाँ इसकी सबसे ज्यादा पैदावार हो रही है। गुजरात का कच्छ इलाका भी ड्रैगन फ्रूट की खेती में नई पहचान बना रहा है। जुलाई 2020 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने इस फल का जिक्र किया था। आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े, यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। साथियों, जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं, इनोवेटिव सोचते हैं, तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिनकी आम तौर पर कोई कल्पना नहीं करता। ड्रैगन फ्रूट खट्टे और मीठे दो स्वादों में पाए जाते हैं। मीठे वालों में भी तीन किस्में हैं। एक वो जिनका छिलका गुलाबी और गुदा सफेद होता है, दूसरे वो जिनका छिलका लाल और गुदा गुलाबी हो, और तीसरे वो जिनका गुदा सफेद और छिलका पीला हो। लोगों की पहली पसंद लाल छिलके और सफेद गुदे वाला फल है। इस पर निकले उभार यानी स्पाइक्स देखने में आग जैसे होते हैं और छिलके पर बने स्केल्स ड्रैगन जैसे दिखते हैं। इसी बनावट ने इसे ड्रैगन फ्रूट का नाम दिलाया। वैसे इसे पिताया, पिताहाया और स्ट्रॉबेरी पियर जैसे कई और भी नामों से पुकारा जाता है, लेकिन सबसे जाना पहचाना नाम ड्रैगन फ्रूट की है। भारत ने इसका नाम कमलम रखा है। दरअसल ये नाम गुजरात सरकार ने दिया था। अब यही नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा है। एक बार लगाने के बाद ड्रैगन फ्रूट 20-25 साल तक फल देता रहता है। कमलम सेहत का खजाना है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक फाइबर आंतों के लिए बेहद उपयोगी है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ड्रैगन फ्रूट एक जानदार फल है।
इसमें मौजूद इन तमाम पोषक तत्वों के कारण शोधकर्ता इसे एक सुपर फ्रूट का दर्जा देते हैं। पौष्टिक गुणों से भरपूर है। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। इस फल में न सिर्फ कम कैलोरीज होती है, बल्कि आयरन, कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ये किसी व्यक्ति की तनाव से क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर में आई सूजन को कम करने में मददगार है। बाजार में इस सुपर फ्रूट की मांग इन्हीं गुणों की वजह से बढ़ रही है। खास तौर से शहरी इलाकों में अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग इसे खासा पसंद कर रहे हैं। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारत में उगाई जाने वाली ड्रैगन फ्रूट पर अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि उपज और शर्करा की मात्रा के मामले में सफेद गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट लाल गूदे वाले फलों के मुकाबले बेहतर होते हैं। वहीं लाल गूदे वाले फल फाइबर, फेनोलिक्स और एंटीऑक्सीडेंट के मामले में बेहतर पाए गए हैं। अमीनो एसिड से भरपूर ड्रैगन फ्रूट में हिस्टिडीन, लाइसिन, मेथियोनिन और फेनिल एलनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट में कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन के 1, पोटेशियम और आयरन भी पाया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दोनों तरह के फल अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आदर्श हैं, क्योंकि इनमें कैलोरी की कम मात्रा है। लाल किस्मों के गूदे में फेनोलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। ये बीटा साइनिन के अलावा विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के से भरपूर होता है, जो कई तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। घुलित शर्करा और कार्बनिक अम्ल सहित कुछ घुलनशील ठोस पदार्थ भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि जब किसान खेती के लिए क्लोन चुने तो ये जरूर देखे कि उनमें पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। पोषक तत्वों के आधार पर ही इसका बाजार भाव भी तय होता है। कुछ घुलनशील ठोस और अम्लता दोनों मिलकर इसे बेहतर स्वाद देते हैं। सफेद गूदे वाले फलों में फाइबर ज्यादा और शुगर कम होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका ये गुण वजन घटाने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही डायबिटीज के शिकार मरीजों के लिए ये आदर्श फल हो सकता है। उपज और जैव रासायनिक दोनों मापदंडों के मामले में सफेद गूदे वाले हिरेहल्ली व्हाइट ड्रैगन फ्रूट क्लोन और लाल क्लोनों में हिरियो राउंड रेड बेहतर पाए गए हैं। कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमलम से जुड़ी हुई और भी रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कृषि विशेष में आज हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम की। हालांकि भारत में इसकी खेती शुरू हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अब ये तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खास तौर से छोटे किसानों के आर्थिक लाभ के लिए तो ये बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है, इसलिए सरकार भी इसकी खेती को प्रोत्साहित कर रही है। भारत में फिलहाल 3000 हेक्टेयर में इसकी खेती की जा रही है और सरकार 5 साल में इसे बढ़ाकर 50,000 हेक्टेयर करना चाहती है। वियतनाम में बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, बल्कि वहाँ की जीडीपी में इसका अच्छा खासा योगदान है। शायद इसी बात ने भारत का भी ध्यान खींचा है। देश के ज्यादातर इलाके चूंकि इसकी खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए सरकार को इसकी खेती में काफी आर्थिक संभावनाएं नजर आ रही हैं। गुजरात और हरियाणा की राज्य सरकारें कमलम उगाने वालों को आर्थिक सहायता दे रही है। केंद्र सरकार भी अब इस फल को प्रोत्साहन देने में आगे आई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से कमलम का रकबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सरकार ने 2021-22 के लिए इसका रकबा 4,133 हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ज्यादा जोर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रकबा बढ़ाने पर रहेगा। आने वाले समय में इसकी खेती और तेजी से फैलेगी, क्योंकि सरकार ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जोड़ दिया है और उसी के तहत इसका रकबा अगले 5 साल के दौरान 50,000 हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कमलम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया। इसमें इसकी खेती का रकबा, उत्पादन, उत्पादकता, विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ाने के तरीकों पर माथापच्ची की गई। इसके अलावा कमलम पर रोपण सामग्री, खेती के तरीकों, कटाई उपरांत अनुसंधान और विपणन से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर एक तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और नागालैंड के प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सम्मेलन में कमलम के प्रोत्साहन के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने का भी सुझाव आया। यहाँ राज्यों को सुझाव दिया गया कि वो खेती और मार्केटिंग के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत उपलब्ध सहायता प्रदान करके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करें। इसके साथ ही प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी काम कर रहा है। कमलम को कमजोर मिट्टी और बारानी दोनों जगहों पर उगाए जाने के लिए अध्ययन किया जा चुका है। कोशिशों का कुछ असर दिखने लगा है। भारत से अब कमलम का निर्यात भी होने लगा है। जून 2021 में निर्यात की पहली खेप दुबई पहुंची थी। इसके बाद अगस्त 2021 में लंदन और बहरीन के लिए भी यहां से कमलम रवाना किया गया। एपीडा ड्रैगन फ्रूट का निर्यात दूसरे यूरोपीय देशों को भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर भाव मिल सके। खेती की सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, यहाँ तक कि बंजर जमीन पर भी। हालांकि बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आइए जानते हैं कमलम की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पनपने के लिए शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। इसे उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा आती है।
इसे बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। सही समय और अनुकूल मौसम बेहद जरूरी है। पौधों को पनपने के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। इसकी खेती का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी 3 मीटर होनी चाहिए। कतार से कतार के बीच भी इतना ही फासला रखना है। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती में जैविक खाद का बड़ा महत्व है। शुरुआत में हर पौधे को 10 से 15 किलो खाद की जरूरत होती है। फिर हर साल 2 किलो के हिसाब से खाद बढ़ाते जाते हैं। रोपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। हर माह गोबर या रासायनिक खाद डालते रहें। बहुत से किसान रासायनिक खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। विजय शर्मा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पड़ने वाले निजामपुर गांव के रहने वाले हैं। पिछले 13 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। मेनली मैं सबसे पहले आपको इसके लिए बताऊंगा, ये ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम, जिसको हम पिताया भी बोलते हैं, और भारत में इसका नाम कमलम रखा गया है। ये फ्रूट जो है आपका, जब ये लगाते हैं आप, एक बार लगाने के बाद में ये कम से कम 20 से 25 साल चलता है, एक बार जब आप प्लांटेशन कर देते हैं। अगर होल लाइफ, अगर पूरे इसके जीवन काल की अगर बात करें, तो कम से कम ये 100 साल तक चलता है। हम ड्रैगन फ्रूट की खेती 13 साल से कर रहे हैं। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो शुरू में हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज वाली बात थी, क्योंकि जब लगाया था हमने तो हमें इसकी ABCD कुछ नहीं पता थी, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आई कि कैसे करें, क्या करें, और इसको क्या क्लाइमेट चाहिए, और कितना पानी, और कितना खाद, कैसा खाद लगता है। मेनली बातें ये थी। तो धीरे धीरे जब हम काम करते रहे तो हमें इसके अनुभव मिलते रहे, और हम डे बाई डे इस पर कुछ ना कुछ R&D करते रहे, और आज भगवान की दुआ से आप लोगों के सामने हम लोग जो खेती कर रहे हैं। हम इसकी खेती की अगर बात करते हैं तो ये एक बहुत प्रॉफिटेबल, जिसको हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में कोई बीमारियाँ नहीं हैं, और इसको कोई इंसेक्ट्स नहीं लगते, और थोड़ा बहुत इसको फंगस की प्रॉब्लम रहती है, जो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कि हमें पहले से ही इसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना रहता है। कि ये जैसे हम प्लांटेशन जो करते हैं, ये हमारा जो इसका प्लांटेशन का सीजन जो रहता है, अगर हम गुजरात में, महाराष्ट्र में या इधर की बात करें, तो थोड़ा सा मंथ्स का फर्क रहता है, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट में और नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मेनली क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्दी रहती है, बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, तीनों क्लाइमेट यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये रहती है कि यहाँ पे जो एक सीजन, बेस्ट सीजन रहता है, फेब्रवरी से लेके आप इसको जो है फेब के बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून नहीं लगाना रहता है, क्योंकि उस टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा हाइक पे रहती है, और जब हम ये प्लांट लगाते हैं तो उस टाइम में फंगस जनरेट होती है। उसके बाद फिर हम जुलाई के बाद में इसको शुरू कर देते हैं, उस टाइम में मौसम में ह्यूमिडिटी भी रहती है, क्लाइमेट अब बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए फेवरेबल है, हर पौधों के लिए होता है, बिल्कुल इसके लिए भी ऐसा ही है। जब हम लोग इसकी प्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम हमें मेनली देखना ये रहता है कि हमें अपनी सॉइल का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी रहता है। और ये ड्रैगन फ्रूट में प्लस पॉइंट ये है कि इसको जो है ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, इसको केमिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर एक्सेप्ट करता है, जो हम खाद डालते हैं इसको धीरे धीरे ये अपटेक करता है, मतलब अपनी ज़मीन से उठाता है, और उसके बाद वो प्लांट को टाइम टू टाइम देता रहता है। पानी कम की ज़रूरत है। कमर्शियली अगर हम बात करते हैं तो इसको एक, जैसे स्टार्टिंग 12 से 18 महीने के अंदर में जो है हमारी ये इसकी क्रॉप आती है, जो अगर हम मान लिया, हमने सपोज करो फेब्रवरी में अगर इसको लगाया तो ये 12 से 18 महीने के अंदर में देती है, और अक्टूबर में अगर हम लगाते हैं तो 8वें-9वें महीने में आपको ट्रायल के लिए, ये भी हमने ये पौधा लगाया है कि इसको फ्रूट आता है नहीं आता है, कितना आता है, कैसा आता है। जब इसको फ्रूट आता है तो शुरू में थोड़ा कम आता है, और जब दूसरी साल कमर्शियली होती है तो आपका एक पौधा आपको जो है कम से कम 5 किलो पौधा, इन द सेंस एक पोल 5 किलो आपको फ्रूट देता है। तो 5 किलो × 500 अगर करते हैं तो 2500 किलो हो गया, मतलब 2.5 टन आपका हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करके अगर चलते हैं, मैं ये कहता हूं कि आप इसको मत जोड़िए, 150, 200, 250, 300 रुपये मत करिए। आप 100 रुपये से भी अगर आप इसको करते हैं, आपके अगर खेत से अगर आपका 100 रुपये भी अगर फल जा रहा है, तो पहली साल में आपको 2.5 लाख रुपये मिला।
दूसरी बात यह है कि आप इसको कहीं भी सेल करें, आज चाहे तो आप अपने खेत से सेल करें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ी मंडियां हैं आजकल सब जानते हैं, और बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और आने वाले टाइम के अंदर में भारत सरकार का भी एक ये है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने भी इसको जो है अपनी मन की बात में भी इसको वो किया, मुझे बहुत खुशी है, हम लोगों जो भी ड्रैगन कर रहे हैं सबको बहुत खुशी है। क्योंकि बीच बीच में खरपतवार की निगरानी करते रहें, जब भी खरपतवार उगे तो उसे हटा दें। कुछ दिनों बाद ड्रैगन फ्रूट के पौधे खम्भों के सहारे चढ़ने लगते हैं, इसकी शाखाओं से छोटी छोटी जड़ें निकलकर खम्भों को जकड़ लेती हैं, लेकिन जकड़ बहुत मजबूत नहीं होती, इसलिए पौधों को टूटकर गिरने से बचाने के लिए इन्हें जगह जगह से बांध दिया जाता है। खम्भों पर लिपटी जड़ें वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने का काम भी करती हैं, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। खम्भों के ऊपर गोल संरचना की जरूरत होती है, बहुत से किसान कंक्रीट की संरचना बनाते हैं, जबकि कम लागत के लिए ज्यादातर किसान टायरों का इस्तेमाल करते हैं। इन टायरों के सहारे ही कमलम की शाखाएं लटकती रहती हैं और एक दूसरे से अलग भी रहती हैं। कुछ दिन बाद इनकी जड़ें खम्भों को जकड़ने लगती है और 8 माह में पौधे खम्भों के बराबर हो जाते हैं। रोपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं और फिर इसके 30 से 35 दिन बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल पक चुका है या नहीं, इसकी पहचान इसके रंग से होगी। शुरुआत में फल चमकदार हरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे लाल होने लगता है। जब रंग पूरी तरह बदल जाए तो उसके 3-4 दिन बाद इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। पहले साल फसल न के बराबर होगी, असल पैदावार दूसरे साल से शुरू होगी, जबकि तीसरे साल के अंत तक पैदावार 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच जाएगी। एक बार बोई गई फसल 20 साल तक फल देती रहेगी। कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।